उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले ही पार्टियों ने जीत के ख्वाब देखने शुरू कर दिए हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टियों की तरफ से बड़े बड़े जुमले आने शुरू हो चुके हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, सभी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। अगर सबसे पहले बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाली है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और यूपी के प्रभारी राजेश तिवारी ने पुष्टि की कि इस बार पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा प्रियंका गांधी वाड्रा होंगी। राजेश तिवारी ने यह भी दावा किया है कि यूपी की जनता के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी प्रियंका को राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। आइए सबसे पहले हम कांग्रेस पार्टी के दावों के इतिहास को देख लेते हैं। 2017 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन हुआ इसके उलट और बीजेपी अप्रत्याशित जीत के साथ सत्ता में आई। 2019 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में प्रदेश में चुनावी कैंपेन करने उतरी। प्रियंका का चुनावी कैंपेन पार्टी को और नुकसान कर गया। पार्टी सिर्फ एक ही लोकसभा सीट जीत पाई। प्रियंका गांधी वाड्रा तो अपने भाई राहुल तक की सीट नहीं बचा पाई। यानी कहा जाए तो एक बार फिर कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के भरोसे चुनावी मैदान में है, लेकिन क्या इससे कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी विधानसभा चुनावों में अभूतपूर्व प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी 400 सीट जीत सकती है। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले उन्होंने अंदाजा लगाया था कि सपा 350 सीटें जीतेगी, लेकिन जिस तरह से जनता में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है, उससे लगता है कि सपा 400 सीटें भी जीत सकती है। हम आपको बता दें कि पार्टी को विधानसभा चुनाव जिताने का सारा दारोमदार अब अखिलेश यादव के ऊपर है। हालांकि अखिलेश कई मुद्दों के जरिए बीजेपी को काफी हद तक घेर लेते हैं, लेकिन 2017 विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार और जनता का एकदम बीजेपी की ओर झुकाव कुछ और ही इशारा करती है। इसका ताजा उदाहरण हम आपको बताते हैं। हाल ही में हुए एक सर्वे में जनता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद बताया है, जबकि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा को जनता ने सबसे निचले पायदान पर रखा। सर्वे के अनुसार 43% प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा देखना चाहती है, जबकि 14% लोगों ने प्रियंका गांधी के पक्ष में अपना समर्थन जाहिर किया है। वहीं राज्य के दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों बसपा प्रमुख मायावती और सपा के अखिलेश यादव के पक्ष में क्रमशः 21% और 20% लोगों ने अपना वोट दिया। यानी प्रदेश में अभी भी जनता की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ है। अब ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री बनने का दावा कहीं मुंगेरी ख्वाब ना बन जाए। अब देखना यह है कि ये दावे मुंगेरी ख्वाब बनते हैं या सच, ये तो जनता को तय करना है। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए, क्योंकि आपकी राय सबसे अहम है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए VFN न्यूज़।